सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम स्केल नंबर 6 क्लास 9th की कागज बांट करेंगे। तो कागज बांट करने के लिए जैसे आपको पता ही है हमें चाहिए होती है स्केल की लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसकी लेंथ हमारी है 75 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 54 सेंटीमीटर। हम ब्रेथ और लेंथ को जोड़ देते हैं तो ये हमारी आ जाएगी 105, और ब्रेथ और हाइट को यदि हम जोड़ते हैं ये आ जाएगी हमारी 84। ये आप देख सकते हैं तो हमारे पास जो है वो लेंथ इसकी ज़्यादा है, 105 सेंटीमीटर है। हम पेपर को लेंथ में रखेंगे और इसमें जो फुट्टा यूज हो रहा है वो है 1.10 सेंटीमीटर। तो हम 1.10 सेंटीमीटर फुट्टा यूज करते हैं, और जैसे आपको पता ही है तो आपको कागज़ बांटो से आ रही होगी अच्छे से, फिर भी मैं अभी आपको करके बताता हूँ कि कैसे इसकी हम कागज़ बांट करते हैं। जैसे हमारे पास इसका जोड़ आया है 105 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से 105 सेंटीमीटर ले लेंगे। जैसे हमारे पास ये 100 सेंटीमीटर है तो 100 पे निशान लगाएंगे, और इसके बाद हम यहाँ से 5 हम और यहाँ से काट देते हैं। ये हमारा आ गया 105, और जो हमारे पास शीट बच गई है इसके हमने बराबर 3 भाग करने हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जहाँ पे ये पॉइंट हमारा आया है, जहाँ से ये यहाँ से पीछे हमारी लेंथ और ब्रेड्थ है, यहाँ से हम एक न्यून कोण ले लेते हैं। ये जैसे हमने न्यून कोण यहाँ ले लिया है, इस पॉइंट से हमने न्यून कोण ले लिया है इस पॉइंट से, और अब हमने क्या करना है, जो न्यून कोण की रेखा हमारी आ रही है इस पर हमने कोई 3 निशान लगा देने हैं। हमने 3 निशान को इस पर लगा देने हैं, जैसे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3। ये आपने अपनी मर्जी से लगाने हैं, आप पे कोई बंदिश नहीं है। आप ज़्यादा बड़े भी लगा सकते हैं, छोटे भी लगा सकते हैं, और ये आपका गया 1, 2, 3। अब आपने क्या करना है, जो आपका लास्ट पॉइंट है, ये आपका लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपने फुटा रखना है, और जहाँ पे आपका 3 आ रहा है इसको आपने यहाँ पे ऐसे ऐसे मिला देना है। इसी के समानांतर आपने रेखा लेनी है नीचे 2 तक, ये आप देख रहे हैं, ये आपका 2 है, ये आपने 2 तक रेखा ले ली तो ये आपको आ गया। अब यहां से इसी के समानांतर आपने रेखा लेनी है 1, जहां पे आपका 1 है, आप देख सकते हैं ये आपका आ गया 1। यहाँ 1 को आपने ऐसे मिला लिया, ये आपका आ गया 1 भाग, ये आपका आ गया 2 भाग, और ये आपके आगे 3 भाग। इस तरह से आपके ये 3 बराबर भाग हो जाएंगे। इस तरह से ये 3 भाग कर देंगे, और हम इनको चेक भी कर सकते हैं कि हमारे ये भाग बराबर है या नहीं है। जैसे हम यहाँ से देखते हैं, ये आपका 1 भाग है, ये 2 है, ये आपका 3 है, देखिए बिल्कुल बराबर है, हमारे तीनों भाग हमारे बिल्कुल बराबर है। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, एक भाग यहाँ से लेफ्ट साइड से हम एक भाग छोड़ देंगे, और अब हम काटेंगे इसकी लेंथ, और लेंथ हमारी है 75। यहाँ से हम 75 सेंटीमीटर लेंगे, ये आपका है 50, 60, 70, 75, ये हमारा यहाँ आ रहा है। अब हमने एक भाग यहाँ से काटना है, ये हमने ले लिया है एक भाग, और अब हम काटेंगे इसकी ब्रेथ, और ब्रेथ हमारी 30। तो अभी देखिए यहाँ पे, ये देखो ये हमारा 30 आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल बराबर आ रहा है, एक भाग हमारा बच गया है। इसी तरह से अब हम यहाँ पे भी निशान लगा देंगे, इन लाइनों को आपस में मिला दें। इस तरह से हम दोनों साइड निशान लगा करके इन निशानों को मिला देंगे, और अब हम यहाँ से इसको इस तरह से शीट को घुमा देंगे,
इस तरह से हम इसको शीट को घुमा देंगे और हम यहाँ से काटेंगे इसकी ब्रेड्थ और हाइट। तो हमारे पास इसकी ब्रेड्थ और हाइट जोड़ के आ रही है 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 80 सेंटीमीटर काटेंगे, तो इसके लिए ये आपका है 50, 60, 70, 80। ये हम 80 ले रहे हैं अभी यहाँ पे, और 4 हम लेंगे यहाँ से। ये आपका है 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हम करेंगे वही जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। हमारे पास जो ये शीट बच गई है इसका हमने 5 भाग करने, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक न्यून कोण ले लेते हैं। इस तरह से न्यून कोण ले लेंगे और इस न्यून कोण पे हमने 5 निशान लगाने हैं बराबर। इस तरह से हम 5 निशान इसमें लगा देंगे और इनमें हम नाम भी लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और जो आपका ये 5वां निशान है इसको हम लास्ट पॉइंट के साथ मिला देंगे। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पे इस तरह से हम इसको मिला देंगे। और हमने क्या करना है, ये जो आपका 4 आ रहा है इसके समानांतर रेखा लेनी है। इसके समानांतर रेखा हमने 4 से ले लो और इसी के समानांतर रेखा 3, 2, 1 से भी हमें लेनी है। इस तरह से हम इसके 5 भाग कर देंगे। जैसे अब आप देख सकते हैं कि क्या निशान हमारे बराबर है। तो यहां से हम देखेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, देखिए बराबर है। हमने क्या करना है, जितने आपके 2 भाग हैं, ये आपके 2 भाग है, इतनी प्रकार खोल के आपने यहाँ से लेफ्ट साइड से शीट काट देना है। और अब हम काटेंगे इसमें हाइट, और इसकी हाइट है 54 सेंटीमीटर है, 54 सेंटीमीटर है। तो ये आपका 50 है, हम बिल्कुल एक्यूरेसी से लेंगे और यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर आगे ले लेते हैं। ये आपका 4 है, तो हमने ले लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, 1 भाग जितना आपका है, ये आपका 1 भाग है, इतना हमने यहां से काटना है। ये आप देख सकते हैं, इसके बाद हम काटेंगे ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ इसकी है 30 सेंटीमीटर। ये देखिए आप, ये देखो यहां पे आ रहा है 30 सेंटीमीटर आ रहा है, और 2 भाग आपके बच जाते हैं पीछे। वो हमने क्या करना है, जो आपकी शीट के ये यहाँ पे हमने निशान लगा देने हैं और फिर हम इन सारे निशानों को आपस में मिला दें। इस तरह से हम ये जितने भी हमने निशान लिए थे इन सबको आपस में मिला देंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इसमें फालतू लाइनें हैं इनको हम सब लाइनों को मिटा देंगे यहाँ से। ये हमारी लाइनें हैं भाग वाली, जितनी भी लाइनें हमारी होती है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा लाइनें होती है, हम इसको मिटा देंगे। और यहाँ पर लिख देंगे एलिवेशन, इसके बीच में बिल्कुल यहाँ लिखेंगे साइट, यहाँ लिखेंगे प्लान, यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्शन, और ये एक्स वाई रेखा है, यहाँ हम इसकी लिख देंगे हाइट, यहाँ लिख देंगे इसकी ब्रेथ, यहाँ लिखेंगे इसकी लेंथ, और इसको हम फिर हमारी पेपर डिवीजन जो है वो क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आपने इसमें एलिवेशन, साइट, प्लान, प्रोजेक्शन, आपकी हाइट, ये आपकी हाइट है, ब्रेथ है और लेंथ, ये सारी चीज़ें आपने इसमें इस तरह से लिखनी है, बनानी है, और अच्छे से आपका ड्रॉ होना चाहिए, एलिवेशन, साइट, प्लान और प्रोजेक्शन। और इस तरह से आपकी कागज़ बांट कंप्लीट हो गई है। और हम अगली वीडियो में स्केल नंबर, ये आपकी है 6, इसको हम सॉल्व करेंगे।